हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लव इंटरेस्ट यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आए, कुछ कुछ तो सजेशन कॉल करके भी मेरे को बोला गया कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, कुछ ऐसे टॉपिक लेके आइए जिससे कि हम लंबी बातें कर सकें। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे दमदार टॉपिक के बारे में, मज़ेदार टॉपिक के बारे में, जिससे कि आप घंटों बातें कर सकते हो, रात रात भर बात कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये वीडियो स्पेशली लड़कों के लिए है, ठीक है। लड़कियां भी इसका इस्तेमाल कर सकती है, बट डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ऑब्जर्व कर रही हैं। लड़कियों के लिए सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे अगर कमेंट करेंगे आप लोग तो। ओके, बात करते हैं इस वीडियो को बनाने के पीछे इंटेंशन की। तो इंटेंशन है इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टू इंटरेस्टिंग टॉप। इस वीडियो में जो आपको थ्री टॉपिक्स बताए जाएंगे ये इतने इंटरेस्टिंग है कि एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बिल्ड कर देंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टिप्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं देने वाला है सिवाय लव इंटरेस्ट के। तो बात करते हैं पहले टिप्स की। तो पहला जो टिप्स है वो है डबल मीनिंग बात करो। देखो, हमको पता है बहुत ही कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो डबल मीनिंग बातें करते हैं। डबल मीनिंग बात करना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, डबल मीनिंग एक तो आप उसको डायरेक्टली गलत भी नहीं ठहरा सकते, और पार्टनर में डबल मीनिंग बात होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर के और ज़्यादा क्लोज जाना, कि आप लोग इतने ज़्यादा क्लोज हो जाओ कि आप लोगों के बीच में कोई दूरी ही ना हो, कोई रिलेशनशिप तोड़ ही ना पाए, उसके लिए मस्ट है डबल मीनिंग बात। डबल मीनिंग बात होनी चाहिए। और डबल मीनिंग का फ़ायदा क्या होता है कि ये ऐसा टॉपिक है कि आप हर एक लाइन को डबल मीनिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूँ एक लाइन, जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर लाइन है, खाना खा लिया। ओके, हम कॉल करते हैं तो सबसे पहला एक तरीके से ये सवाल पूछते हैं अपने पार्टनर से कि क्या आपने खाना खाया। ओके, तो जब हम ये सवाल करते हैं, मेरी हिंदी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, जब हम बात करते हैं कि क्या आपने खाना खा लिया, इसको डबल मीनिंग कैसे करेंगे? हम डबल मीनिंग कर सकते हैं कि इमेजिन करिए कि पार्टनर ने, जैसे कि मेरे पार्टनर ने मुझसे पूछा कि आपने खाना खा लिया, तो मैं ये कहता कि हाँ खाना खा लिया, रोज़ तो खाना ही खाता हूँ। तो सामने से सवाल आएगा, क्यों, क्या चाहिए आपको? तो मैं तुम यहाँ पे एक डबल मीनिंग हुई कि अच्छा, जो मांगूंगा वो मिलेगा क्या, कुछ इस तरीके से, यानी कि डबल मीनिंग मैंने कर दिया कि अच्छा सच में बताऊँ क्या चाहिए मेरे को, यानी कि इसको हम डाइवर्ट कर रहे हैं डबल मीनिंग में। कोई भी लाइन हो आप उसको डायरेक्टली डाइवर्ट कर सकते हो डबल मीनिंग में, ठीक है। तो ये तो ये था एक नॉर्मल कॉमन सी लाइन। तो इस तरीके की ढेरों लाइनों को आप डाइवर्ट कर सकते हो। तो ये है पहला टॉपिक। बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा जो टॉपिक है वो है जीके क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? और एक बात बताऊं, मैं जितने भी आपको पॉइंट्स बताता हूं ना, इसका एक्सपेरिमेंट मैं कर चुका होता हूं, ठीक है। ये मैंने इसको इसका अनुभव किया होता है और ये मेरी लाइफ में रंग ला चुका होता है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। जीके क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? जीके क्वेश्चन एक अच्छा टॉपिक है। जैसे कि मैंने पूछा एक क्वेश्चन, मैंने पूछा अपने पार्टनर से कि अच्छा बच्चे कितने अच्छे हैं। एक क्वेश्चन मैंने उनको दिया, बच्चे कितने अच्छे, उन्होंने कहा व्हाट, मैंने कहा यस बच्चे, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर द बेस्ट। ओके, मतलब कितने बच्चे अच्छे होते हैं बताइए। तो उन्होंने कहा कि कितने, बहुत, एक दर्जन। मैंने कहा वाह क्या बात है। तो उन्होंने मैंने कहा नहीं सच में बताओ कितने अच्छे होते हैं। उन्होंने कहा क्यों, मैंने कहा अच्छा आपको पता है क्या कि इस दुनिया में कौन सी वो महिला है जिसके नाम पर सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा आई डोंट नो। मैंने कहा कि हाँ मैं बताता हूँ। ओके, तो मैंने बताया रूस की एक महिला है जिसका नाम है मारिया, आप चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पे, जिसका नाम है मारिया इकोशावा करके कुछ है। तो इसके नाम पे सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड है। इसने 58 बच्चों को जन्म दिया था 42 ईयर्स की एज तक, ठीक है। 42 साल की उम्र में इसने जो है 58 बच्चों को जन्म दिया। तो उन्होंने कहा, मतलब शॉक्ड हो गई, ठीक है, एकदम से कि मतलब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा हाँ ऐसा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉप हो गई, थोड़ा सा डबल मीनिंग टाइप का तो नहीं है, फिलहाल एडल्ट हो गया थोड़ा, है ना। तो इस तरीके का आप जीके का क्वेश्चन उठा सकते हो, समझ में आया आपको। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आप उठाते हो तो आपकी बात बहुत लंबी खींच सकती है। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक पहेली है कि मतलब ऐसी कौन सी वो चीज़ है जो एक तरीके से मर्द जो है वो छिपाते हैं और औरतें उसको सरेआम दिखाती हैं, अगर छिप जाए तो उसको दिखाने लगती हैं, उसको वो छिपा के कभी रखती ही नहीं है, ऐसी क्या चीज़ है। तो ये एक पहली हो गई, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आप पूछ सकते हो, यानी कि जीके में ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर दो, आपकी बात इतनी लंबी खिंच जाएगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। जब आप किसी को क्वेश्चन दोगे तो उसका माइंड फिर रन करेगा और इस प्रोसेस में बात बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लंबी होगी। बात आपको समझ में आ गई, यह है दूसरा टॉपिक। बात करते हैं तीसरे टॉपिक की एंड फाइनल टॉपिक। फाइनल टॉपिक बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस, बहुत पावरफुल है, वो है फेवरेट टॉपिक, लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ, आप फाइंड आउट करिए। इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन बात आपकी गारंटेड इतनी लंबी खींचेगी आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक वर्ड फूंकना पड़ेगा और उधर से बम्बार्डिंग होने लगेगी। आप पहले फाइंड आउट करो आपके पार्टनर का फेवरेट क्या है,
ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे अपनी बात करूँ तो मेरा फेवरेट है, जैसे कि अगर कोई मुझसे स्टडी से रिलेटेड कोई बात करता है, हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है, ज्योग्राफी के बारे में, साइंस के बारे में, या एवरीथिंग, मतलब स्टडी पे मेरा अच्छा अच्छी कमांड रही है, मैं एक तरीके से मेरे अंदर किताबी कीड़ा रहा है, मुझे बुक्स का कलेक्शन करना, किताबें पढ़ना, हर तरह की किताबें ऑलमोस्ट मैंने पढ़ी हैं, मतलब कि मैं एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्टडी में ध्यान दिया हूँ, तो कोई मुझसे इस टॉपिक पे बात करता है ना कि ये कैसे है, मतलब वो कैसे है, तो इन चीज़ों को समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में, एवरीथिंग, कुछ भी नॉलेजेबल चीज़ अगर कोई पूछता है तो उसको समझाने में, बताने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो एक क्वेश्चन करे मैं उस पर घंटों लेक्चर दे सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि आप फेवरेट टॉपिक बस पिक कर लो अपने पार्टनर का, कि क्या है उसका। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान दिया, ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक्स है, ठीक है, यानी कि इसमें कई टॉपिक इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे कि मैंने ये अपना एक एग्जांपल बताया, सेकंड एग्जांपल मेरा ये है कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी के बारे में मेरे से बात करता है, अध्यात्म के बारे में, तो उस पर भी अच्छी खासी ओवरऑल कमांड है मेरी, तो मैं उस पर भी एक अच्छा सेशन दे सकता हूँ, ले सकता हूँ, उसको समझा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप टॉपिक्स फाइंड आउट करो कि आपके पार्टनर का क्या है। आपकी बात इतनी लंबी हो जाएगी आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ एक लाइन दोगे आपका पार्टनर उस पर घंटों लेक्चर देगा। बात आपको समझ में आ गई, ये थ्री टॉपिक्स है टॉप के। एंड में बस इतना ही, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करेगा ताकि ये कॉन्टेंट उनको भी मिल सके, वो भी इस टॉपिक का लाभ उठा सकें। ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, अपडेट आपको मिलती रहेगी। बाकी के दो चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको भी देखिए, और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको भी क्लिक करके फॉलो करिए। वीडियो अच्छा लगा उम्मीद करते हैं, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करिए, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन उसको लिखना कतई मत भूलना, और अगर आप मेरे से डायरेक्ट फोन पे बात करना चाहते हो, फोन पे कंसल्ट करना चाहते हो, तो कॉल मी फोर एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर पूरा सर्च मार दीजिए LoveIntercity@CM4, वहाँ पे LoveIntercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।